इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले FCF सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में एंड बात करेंगे ऑल लेटेस्ट न्यूज के बारे में। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। उसके पहले यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे, तो सबसे पहले आप यहाँ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी हम चलते हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। लेटेस्ट प्राइस यदि चेक करें तो 3.65 रुपये पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे यहाँ पे बंद होने को दिखा है। 10 पैसे की गिरावट, 2.67% की गिरावट के साथ इजीली यहाँ पे बंद होने को दिखा है। यदि बात करें चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न वन वीक के चार्ट पैटर्न पे अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं। तो लगातार यहाँ पे 2 से 3 ट्रेडिंग डे में यहाँ पे गिरावट दिखाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार यहाँ पे गिरावट है। यदि बात करें अपने हाई की, तो इसने अपना हाई यहाँ पे 3.95 रुपये बनाया था। देन फिर उसके बाद अभी आपको यहाँ पे शो रहा होगा 3.65 रुपये पे यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ यदि हम 1 मंथ का थोड़ी चार्ट पैटर्न ग्राफ देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेजी बी से रिकवरी यहाँ पे आई थी। देन फिर उसके बाद देखें तो लगातार इसमें अभी गिरावट होती रही है। लगातार 7 दिनों का चार्ट पैटर्न, एक 1 मंथ का चार्ट पैटर्न आपके सामने, और 1 ईयर की यदि बात करें तो एक बहुत अच्छी तेजी के साथ, यदि आप वो तेजी देखें तो आपको यहाँ पे शो रही होगी बहुत अच्छी तेजी के बाद अभी गिरावट के माहौल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसी के साथ यदि हम 52 वीक हाई और लो की बात करें, तो 52 वीक हाई इसका 8.30 रुपये 1 ईयर में जो 52 वीक इसका हाई बना है यहाँ पे 8.30 रुपये के साथ बन चुका है। लो की बात कहे तो 60 पैसे 60 पैसे से भागा हुआ शेयर इस समय 3.65 रुपये पे इस पॉइंट पे यहाँ पे अवेलेबल है। एनडीसी के साथ हाई अपना 8.30 रुपये बना चुका है। तो वहां से लगभग आधे से ज्यादा से करेक्शन, आधे से ज्यादा यहाँ पे गिर चुका है, 50% से ज्यादा यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। यदि वॉल्यूम की बात करें, तो इस समय जो इसमें वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 52,54,310 शेयरों के निकल के आ रहे हैं। इसी के साथ यदि हम कंपनी की थोड़ी स्ट्रेंथ की बात करें, तो इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा है, 648 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी होने वाली है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव में ज़रूर है, EPS और ROE दोनों यहाँ नेगेटिव में चल रहे हैं। EPS अर्निंग पर शेयर 9 पैसे लॉस में अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से, एंड ROE की बात करें तो 4.08% की गिरावट के साथ यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी चल रहा है। पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे PV रेशियो की बात करें तो 2.17 के साथ PV रेशियो यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि इंडस्ट्री का पी काफ़ी ज़्यादा 31.80 है, क्योंकि यहाँ पे ये IT सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड IT सेक्टर का तो आपको पी समझ ही पा रहे होंगे आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुलिश रहा है IT सेक्टर पिछले टाइम। तो उसी के साथ इसका पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी रेशियो काफी ज्यादा है। बुक वैल्यू 1.75 रुपये के साथ इस समय जो ट्रेड कर रहा है शेयर, वो 3.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और भी यदि हम फाइनेंशियल कंडीशन यदि इसकी चेक करें, तो कंपनी को दिसंबर 2021 में यदि रेवेन्यू की बात करें तो 8,13,00,000 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करने को दिखा था। Q3 की यहाँ पे बात हो रही है, क्वार्टर 4 की यदि बात करें तो अभी रिजल्ट्स इसके नहीं आए। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे डिस्कशन जरूर कर देंगे। एंड उसी के साथ यदि सितंबर लास्ट क्वार्टर की बात करें, तो 16,50,00,000 की यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होने को दिखी थी। उसके पहले काफी कम रेवेन्यू यहाँ पे रहता था, 6,74,00,000, 8,65,00,000। लेकिन अभी लगातार यदि दो क्वार्टर से बात करें, तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने को दिखा है। यदि नेक्स्ट क्वार्टर 4 में यदि इस तरह का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होने को दिखता है, मतलब 10 करोड़ से भी ऊपर जाने को दिखता है यदि रेवेन्यू, तो वहां से एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, आप कोई एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ यदि प्रॉफिट्स की बात करें, तो कंपनी को इस समय तो कोई प्रॉफिट नहीं है। कंपनी इस समय दिसंबर के रिजल्ट्स में कंपनी ने यहाँ पे लॉस दिखाया था, 6,00,000 का लॉस कंपनी को यहाँ पे हुआ था इजिली। उसके पहले की यदि बात करें, तो लगातार जून एंड सितंबर के क्वार्टर में कंपनी को 25,00,000 32,00,000 के प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले थे। यदि एक साल पहले की बात करें मार्च 2021 में, तो कंपनी को यहाँ पे काफ़ी बड़े लॉसेस थे, 15 करोड़ से ऊपर के लॉसेस कंपनी को बनते हुए देखने को मिले थे। उसके साथ यदि हम कंपनी की नेटवर्थ की बात करें, तो नेटवर्थ सितंबर की नेटवर्थ यहां पे दिखाई गई है, 299 करोड़ की नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ यहां पे दिखाई गई है। उसके पहले यदि मार्च 2021 की बात करें, तो 300 करोड़ की नेटवर्थ यहां पे इजीली यहां पे शो की गई है। उसी समय यदि हम ईयरली डाटा की बात करें, तो 2021 में मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया 300 करोड़ की नेटवर्थ है, उसके पहले 304 की थी। तो नेटवर्थ में आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 2017 का डाटा, 18, 19, 20, 21 इस क्रम में डाटा अवेलेबल है। यदि आप नेटवर्थ को एक यहाँ पे एक लाइन से मिलाएं, तो आपको लगातार नेटवर्थ भी यहाँ पे गिरावट में देखने को मिलती है। 2017 में जो नेटवर्थ इसकी 356 करोड़ थी, वो यहाँ पे 2018 में 344 करोड़ की देखने को मिली, 2019 में 342 करोड़ की, 20 में
बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम होकर 304 हो गई थी, एंड देन यदि इस समय बात करें 2021 में 300 करोड़। अभी 2022 के डाटा रिजल्ट्स अभी आने बकाया हैं, यदि एक अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं, यदि इन सभी नेटवर्थ को यहाँ पे क्रैक करता है तो आपको यहाँ पे 52 वीक हाई से भी ऊपर ये प्राइस यहाँ पे जाने को दिख सकता है। उसके पहले यदि नेट प्रॉफिट की बात करें वन ईयर के, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वार्टरली तो लॉस है ही, साथ में यदि ईयरली बेसिस पर बात करें टोटल 2021 में तो 12 करोड़ से ऊपर के लॉसेस कंपनी को हो चुके हैं। यदि पिछले लॉसों की बात करें तो उन लॉसों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रियायत पाई है कंपनी ने। यदि पिछले लॉस थोड़ी आप यहाँ पर कंसीडर करके देखें तो 45 करोड़ के लॉसेस इसको 2017 में थे, 58 करोड़ के 2018 में थे, 2019 में 164 करोड़ के लॉसेस देखने को मिले, एंड 2020 की बात करें तो 23 करोड़ के लॉसेस देखने को मिले। एंड देन यदि इस समय की बात करें तो लॉसेस थोड़ी उनसे तो कम है 12 करोड़ के, तो यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी नज़र जरूर आ रही है। उसी के साथ यदि रेवेन्यू की भी बात करें ईयर वाइज, तो रेवेन्यू यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वाइज रेवेन्यू देखने को मिलता है। 2019 में थोड़ी ज़्यादा रेवेन्यू था, 40 करोड़ का रेवेन्यू पहुँच गया था, जो यहाँ पर 2020 में 37 करोड़ का कम होने को देखा। देन फिर 3-3 करोड़ की यहाँ पर लगातार गिरावट आपको लगातार टू ईयर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ यदि हम बात करें इसके कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, आईटी सेक्टर मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, आईटी सेक्टर में यहाँ पे इंगेज्ड है। एंड यदि बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्क करती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस ITES सर्विस में ये यहाँ पे वर्क करने को दिखती है। उसी के साथ यदि कंपनी की डिलीवर्स देखें, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ई लर्निंग एंड डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट, इन सभी में यहाँ पे वर्क करती है। आपको समझ में आ रहा होगा ये किस सेक्टर में वर्क करती है। ई लर्निंग मतलब आप समझ पा रहे होंगे जो यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, एंड मेंटेनेंस डेवलपमेंट एप्लीकेशन, कुल मिला के IT सेक्टर का फुल इसका यहाँ पे वर्क होने वाला है। उसी के साथ यदि बात करें इसकी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यहाँ पे वर्क करने को दिखती है, जिसका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अदर इनकम में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होने को इस कंपनी का दिखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मशीन लर्निंग पे भी वर्क करती है, एंड काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका वर्क यहाँ पे रहने वाला है। जो यहाँ पे IT कंपनी का एक रहता है वही इसके मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय दिलीप कुमार रहने वाले हैं। 1993 में फाउंडेड कंपनी है। एंड देन यदि बात करें इस कंपनी की और भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यदि हम एक बार बात कर लेते हैं, तो रिटेलर्स के पास इस समय 80% से ज़्यादा का माल यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्च 2022 के यहाँ पे लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। उसी के साथ यदि प्रमोटर की बात करें तो 19% की यहाँ पे होल्डिंग है, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास छोटी सी होल्डिंग 0.03% की देखने को यहाँ पे मिलती है। उसी के साथ यदि दिसंबर 2021 की होल्डिंग की बात करें तो रिटेलर्स के पास 80% से ऊपर का माल था, लेकिन यहाँ पे FIIs नहीं थे। मैं आपको यहाँ पे एक और बार बता दूँ, यहाँ पे FIIs नहीं थे। FIIs अभी थोड़ी समय में यहाँ पे एंटर होने को दिखे हैं। देन यदि आप यहाँ से दिसंबर 2021 से यदि डायरेक्ट मार्च 2021 का डाटा देखें तो आपको यहाँ पे FIIs एंटर होने को दिखे हैं, जो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी तो है ही, साथ में FIIs ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके पहले की यदि बात करें सितंबर की, तो यहाँ पे भी कोई FIIs नहीं है, जून 2021 में भी कोई FIIs नहीं है, एंड यहाँ पे मार्च यदि 2021 में करें तो यहाँ पे भी कोई FIIs नहीं है। FIIs जो स्टेक गया है वो यहाँ पे रिटेलर्स के खाते से FIIs ने यहाँ पे माल खरीदा, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स के पास यदि दिसंबर 2021 का डाटा चेक करें तो रिटेलर्स के पास यहाँ पे 80.35% का स्टेक था, जो यहाँ पे 80.32% देखने को मिला है। 0.03% की यहाँ पे रिटेलर्स को कमी हुई है, मतलब इनका जो स्टेक है वो यहाँ पे डायरेक्ट, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, यहाँ पे डायरेक्ट FIIs को पास जाने को दिखा है, तो FIIs इसमें बुलिश है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एक और पॉजिटिविटी तो बता ही रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे FIIs एंटर मार रहे हैं, तो यहाँ पे आगे भी इस शेयर की थोड़ी चलने की ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे बन के नज़र आती है। सभी पेनी स्टॉक में, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, सभी पेनी स्टॉक में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड तो रहता ही है, तो आप यहाँ अपनी रिस्क कैपेटाइट से ही कोई शेयर खरीदिए। पेनी स्टॉक में हाई रिस्क रहता है तो हाई रिवॉर्ड भी रहता है, तो उसी के साथ आप अपने रिस्क कैपेटाइट के हिसाब से कोई भी शेयर खरीदिए बेचिए। इस शेयर में भी आप अपने रिस्क कैपेटाइट के हिसाब से ही निवेश कीजिए। बकाया काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ अवेलेबल है। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।